एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आयुक्त कार्यालय में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरवड़े की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तीनों जिला के जिला निर्वाचन सह जिला अधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़े के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई उनके ही कार्यालय प्रकोष्ठ में। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर और उनकी तैयारी को लेकर तीनों जिलों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि उनके जिले में 27,65,303 मतदाता हैं। दरभंगा का मतदाता लिंगानुपात 888 था, जो 890 हो गया है, जबकि मतगणना में लिंगानुपात 918 है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता हेतु जिले में न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 500 मतदाता केंद्र को चिन्हित किया गया है। दरभंगा का ईपिक अनुपात 0.53 है, जो राज्य के औसत से अधिक है। यहाँ के 32,000 प्रवासी मजदूरों का निर्णायक सूची में पंजीकरण कराया गया है। NVSP पोर्टल पर पत्रांक 6, 7 एवं 8 समय सीमा के अंतर्गत है। स्वीप के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाता जागरूक प्रारंभ किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत मतदाता जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में घटित घटनाओं के संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है। 19 मामले में चार्जशीट दर्ज किया जा चुका है। जिले में कुल 2,755 मतदान केंद्र थे। नए निर्देश के आलोक में 1,261 अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र का प्रस्ताव भेजा गया है। 40 चलंत मतदान केंद्र हैं, जो मूल मतदाता केंद्र के परिसर में ही बनाए गए हैं। चुनाव कार्य हेतु सेक्टर पदाधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। EVS का FLC हो गया है। COVID-19 के मद्देनज़र ITI रामनगर के अतिरिक्त मतगणना केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। COVID-19 के मद्देनज़र जारी मार्गदर्शन के अनुसार चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए वांछित कार्रवाई की जा रही है। चुनाव कार्य हेतु दरभंगा जिले में 25,000 कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। 24,000 कर्मी वर्तमान में उपलब्ध है। बैठक में चुनाव कार्य हेतु गाड़ियों का आकलन कर लेने के एवं आवश्यक अनुसार अन्य जिलों से गाड़ियों की मांग का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। बैठक में तीनों जिलाधिकारियों को पारा मिलिट्री फोर्स के ठहरने के लिए भवन पूर्व में ही चिन्हित कर लेने तथा भवन में शौचालय, पेयजल, जनरेटर सहित कई मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर लेने का निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा दिया गया। जिले में बाढ़ से प्रभावित 5,29,181 परिवारों को 6,000 रुपए का सहयोग राशि दे दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि जिला में कुल 317,50,00,000 रुपए बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिया गया है। बचे हुए लाभार्थियों को भी राशि भेजी जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित अम्बेडकर सभागार भवन में प्रभावित परिवारों के खाते में PFMS के माध्यम से भेजी जाने वाली राशि एवं निर्वाचन की तैयारी को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों से, जिनके द्वारा अभी भी PFMS डाटा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें एक एक कर लंबित डाटा समीक्षा की तथा उन्हें शीघ्र अति शीघ्र शेष डाटा भेजने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सभी निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता केंद्रों को सत्यापन कर लेने का भी निर्देश दिया। इस दौरान EFMS के माध्यम से बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से GR की राशि भेजी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई से जिले बाढ़ प्रवेश किया, जिसमें 5 सितंबर तक तकरीबन 5,29,181 परिवारों के खाते में 317,50,00,000 GR की राशि भेजी जा चुकी है। बहादुरपुर अंचल में 53,519, बहेरी अंचल में 13,219, इसके अलावा अन्य प्रखंडों में भी राशि भेजी गई है। जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, उनके खाते में भी जल्द राशि भेजी जा रही है।
आगामी 14 सितंबर को जिला मुख्यालय सहित अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जिला प्रशासन मनाएगी। 14 सितंबर 1949 से प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा हिंदी दिवस समारोह मनाया जा रहा है एवं राजभाषा हिंदी की महत्वता एवं उसके व्यापक प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा इस वर्ष भी राज्य के सभी प्रखंडों, जिला मुख्यालयों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में 14 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन SM ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 14 दिसंबर 2020 को मनाने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। मतदाता को जागरूक करने को लेकर DDC तनिया सुल्तनिया के अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 40,000 जीविका व 4,00,000 सदस्यों से प्रचार प्रसार के लिए मदद ली जाएगी। उप विकास आयुक्त सह वरीय पदाधिकारी स्वीप कोषांग तानिया सुल्तानिया के अध्यक्षता में उनके ही कार्यालय प्रकोष्ठ में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कोषांग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नोडल पदाधिकारी द्वारा विगत बैठक में किए गए विचार विमर्श से उप विकास आयुक्त को अवगत कराते हुए बताया गया कि COVID-19 के मद्देनज़र मतदाता जागरूक हेतु भीड़ एकत्रित करने वाले कार्यक्रम के बजाय डिजिटल एवं सूचनात्मक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना बेहतर होगा। बैठक में मतदाता जागरूकता रथ के माध्यम से मतदाता सूची के नाम पर जुड़वाने एवं मतदान हेतु प्रोत्साहित करने से संबंधित प्रचार प्रसार करवाने का निर्णय लिया गया। उप विकास आयुक्त ने स्वीप के नोडल पदाधिकारी आलोक राज को उप निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से मतदाता जागरूक रथ बनवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बाल विकास परियोजना द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के माध्यम से घर घर भ्रमण कर कार्यक्रम के द्वारा मतदाता जागरूक करवाया जा सकता है। उन्होंने मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्ट बनवाने का सुझाव दिया। उप विकास आयुक्त ने स्वीप नोडल पदाधिकारी को सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों व सभी विद्यालयों के दीवारों पर मतदाता जागरूकता का पोस्टर लगवाने की तैयारी पर निर्देश दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करवाने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए फेसबुक पेज व व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग करने का भी निर्णय लिया गया। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मतदाता जागरूकता का फ्लैक्स एवं बैनर जनसंपर्क विभाग के माध्यम से लगवाया जा सकता है। सभी विद्यालयों के माध्यम से मतदाता हेतु संकल्प पत्र बच्चों के अभिभावकों से हस्ताक्षर करवाने पर भी विचार किया जाएगा। DPM जीविका द्वारा बताया गया कि उनके 40,000 जीविका के समूह हैं जिसमें 4,00,000 सदस्य हैं। उनके माध्यम से मतदाता जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार कराने की योजना बनाई गई है। जीविका समूह अपने दीदियों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS श्रीमती अलका आम्रपाली, वरीय उप सामर्ता आलोक राज, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता संजय कुमार देव कन्हैया, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभु प्रसाद सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। शनिवार को पंडासराय स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान KFT विधायक फराज फातमी भी मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पंडासराय में स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के आवास पर जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में अली अशरफ फातमी व वर्तमान विधायक ताज फातमी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता किस तरह से तैयार रहे। और सिंघवारा से आए हुए हर पंचायत से हमारे सॉलिड और ताकतवर वर्कर जो यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी लोगों का
खुशामदीद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। साथियों, ये पहली बैठक हो रही है। साथियों, सिंहवाड़ा प्रखंड में जिला स्तरीय तो बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने कई मर्तबा प्रखंड में भी किया है, माननीय प्रखंड अध्यक्ष जी ने भी किया है, लेकिन मैं पहली मर्तबा, पहली मीटिंग हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बुलाई थी वर्चुअल रैली को लेकर के, उसको मैंने अटेंड किया। और ये पहली रैली, अब पहली मीटिंग कहिए जो हमारे फॉलेट साथी, जो है हमारे फौलादी साथी कहिए, यहाँ मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, और माननीय अध्यक्ष जी को भी बता देना चाहता हूँ कि आज जो ये लोग मौजूद हैं, ये कई इसमें ऐसे लोग हैं जो पुराने आरजेडी से ताल्लुक रखते थे, और कई ऐसे साथी हैं जो जनता दल यूनाइटेड से भी एसोसिएटेड हैं। लेकिन आज का दिन वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आरजेडी छोड़ करके कई ऐसे मान्य जो हमारे वर्कर हैं वो आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। साथी, हमारी पार्टी के हरदिल अजीज अध्यक्ष अजय चौधरी जी, हमारे हरदिल अजीज सिंहवाड़ा प्रखंड के अध्यक्ष जी, केवटी के हरदिल अजीज विधायक डॉक्टर फराज फातमी साहब, हमारे जनता दल यू के सिंहवाड़ा प्रखंड के सभी पदाधिकारी पार्टी के, जिन्होंने आज 50-55 लोगों ने जिन्होंने जनता दल यू की सदस्यता ली, उनका, पार्टी के सभी पदाधिकारी और सिंहवाड़ा प्रखंड के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ख़ास तौर से मैं आज अध्यक्ष जी का भी यहां स्वागत करता हूं। जब से हमारे ये अध्यक्ष बने हैं, पूरे दरभंगा ज़िला के अंदर जनता दल यू की सदस्यता भी बढ़ी है, हमारी मौजूदगी भी बढ़ी है, और मैंने एक वादा अपने लीडर से कहा था कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। आगामी 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होने वाली वर्चुअल रैली को लेकर सफल बनाने को लेकर नगर युवा जेडीयू की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि अधिक से अधिक लोगों तक मुख्यमंत्री की बातें पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ता को सजग रहना होगा। शनिवार को किलाघाट स्थित सुशीला विवाह भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आगामी 7 सितंबर को होने वाले निश्चय संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर युवा जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू युवा नगर अध्यक्ष नवीन सिंह बिजली सिंह के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी रिजवान आज़ाद ने कहा कि 7 सितंबर को होने वाली वर्चुअल निश्चय संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि जिसके लिए पार्टी के युवा कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर इस रैली में मुख्यमंत्री के संवाद को सुनने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष नवीन सिंह बिजली सिंह ने कहा, 7 दिसंबर को दिन के 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार की जनता एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राणा प्रदेश सचिव युवा जदयू ने कहा, नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए बिहार के विकास के मुद्दों पर सराहना जरूरी है। मौके पर अजीजुल राइन गुप्ता, राजीव गुप्ता, मोहम्मद तनवीर, अभिषेक कुमार, महासचिव गोविंद कुमार मंडल, दिलीप कुमार मंडल, मिलन राम, जिला सचिव संजय कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। कुमार सिंह, जदयू महानगर अध्यक्ष।
अध्यक्ष हैं युवा के, और आज का जो हम लोग का बैठक रखा गया सुशीला विवाह भवन में, हमारे युवा साथी सब लोग आए हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो प्रोग्राम है 7 तारीख को वर्चुअल रैली, जो पूरे बिहार में जनता को जन जन तक संवाद पहुंचाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं एक स्वच्छ छवि के हैं, 7 निश्चय योजना के तहत जितना भी काम आया है और काम किए पूरे बिहार के विकास के लिए, यूथ के लिए, वो सब संवाद के थ्रू। एक्चुअली में कोविड चल रहा है और कोरोना के चलते एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यही एक साधन था जो वर्चुअल रैली कैसे हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं से मीडिया के थ्रू और क्या कहते मीडिया के थ्रू और टीवी या प्रोजेक्टर जहाँ जहाँ जो सुविधा होगा सबके थ्रू आम जनता को इनका संदेश जो है, हम लोग युवा मिल करके और सारे जनता को हम लोग आह्वान भी किए हैं कि सब लोग इसमें भागी बने और इनके प्रोग्राम को सफल बनावे। नगर के युवा बहुत ही सक्रिय हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का वर्चुअल रैली दिनांक 7 सितंबर को आहूत है, और निश्चित रूप से इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रहेगी और सारे कार्यक्रम को सफल करने में हमेशा युवा सक्रिय रहे हैं और लगे रहेंगे। आज युवा जनता दल यूनाइटेड दरभंगा नगर कमेटी की बैठक चल रही है और उसमें मुझे बुलाया गया है, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि 7 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वर्चुअल रैली होने जा रहा है उसकी तैयारी बैठक भी है, और हम लोग शहर के अंदर में कितने जगह पब्लिक को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के से रूबरू कराएंगे इस पर विचार विमर्श, क्योंकि कोरोना महामारी है और कोई बहुत बड़ी सभा नहीं हो सकती है, कोई बहुत बड़ा गैदरिंग नहीं हो सकता है। वैसी स्थिति में पार्टी ये निर्णय लिया कि वर्चुअल रैली के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो 15 सालों तक बिहार की सेवा करने का काम किया, बिहार को विकास की राह पे लाने का काम किया, बिहार को बड़े बड़े नरसंहार से मुक्ति दिलाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, अति पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किया, जितने भी सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे जिस क्षेत्र में किया हो उन सब का बायोडाटा अपने काम के जो उन्होंने किया है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, वो रखने का काम करेंगे 7 तारीख को वर्चुअल रैली। एनजीपी की ओर से लेहरिया सराय में स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जो इस प्रेस के मुख्य अतिथि हैं, हमारे गार्जियन भी हैं, और पूरे बिहार के युवा सम्राट में नए रंग रूप में उभरे हैं, जो आज चिराग पासवान जी और माननीय प्रिंस पासवान जी कहें, हम जो बोले नहीं, जो प्रिंस अति डॉक्टर संवाद अहमद का भी जो बोले वही सर्वमान्य होगा। आज जो पूरे बिहारवासी के लिए ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी का प्रखंड पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक, जितने भी पूरे देश में जेईई मेंस और नीट का जो परीक्षा होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी विद्यार्थी आएंगे उनका सत्कार करेगा, उनको रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, उनको सेंटर तक पहुंचाने का व्यवस्था, वो कॉल करेंगे जो नंबर दिए उन पर कॉल करेंगे, हम उन लोगों का व्यवस्था करेंगे, वही लोक जनशक्ति पार्टी का एक उद्देश्य है। मैं परीक्षा केंद्र जाने में उनको दिक्कत होगी तो हम ये 3 नंबर आज आपके माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं कि उनको जिस तरह की दिक्कत होगी लोक जनशक्ति पार्टी परिवार उनकी उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करते हुए उनको उनके गंतव्य स्थान यानी कि जो उनका सेंटर है, केंद्र है, उस पर पहुंचा के हम चाहेंगे कि बच्चों, हालांकि हमारी पार्टी की मान्यता रही है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पहले दिन से
केंद्रीय मंत्री से, हर स्तर से सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन जब परीक्षा सामने आ गई तो हम लोगों ने इसको एक विकल्प के रूप में उन छात्रों को सुविधा हो इसके लिए संपूर्ण बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष और उस जिला से जो संभावित हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कल निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में अपने आप को उम्मीदवार बताते हैं, जिन्होंने काम किया है, उन सब लोगों को जिम्मेदारी आदरणीय जिला प्रशासन दिया कि आप अपने ज़िला में, और यही वजह है जो मैं आपके घर का बेटा आज यहाँ मौजूद हूँ। हालांकि पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है और आप तमाम साथियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमाम साथी आज मौजूद हैं हमारे साथ आज के इस प्रेस मीट में। जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा जी हैं और प्रभाकर ठाकुर जी हैं, और आज हम पार्टी के तमाम 38 ज़िले में, जहां हमने जिला अध्यक्ष का नोटिफिकेशन कल किया है, वहीं हर ज़िले में एक प्रधान महासचिव हमने नियुक्त किया है, ज़िला प्रधान महासचिव, और उस पद पर हमारे दलित सेना के कभी शानदार अध्यक्ष रहे हयाघाट के रामाकांत पासवान जी को जिला लोक जनशक्ति पार्टी का प्रधान महासचिव मनोनीत किया। मैं मोहम्मद हुसैन पटेल हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं कि लोक जनशक्ति उम्मीदवार अपने नेता के द्वारा जो काम है और हमारे नेता का जो सपना है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आज उन्होंने कहा है विज्ञापन के माध्यम से, हमने बिहार के आवाम को ये बताया कि कुछ लोग बिहार पर राज करना चाहते हैं। दरभंगा शहर में शनिवार को 5 जगहों पर ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन SBI के CGM महेश दीप चंद्र गोयल के द्वारा किया गया। इस दौरान SBI के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दरभंगा शहरी क्षेत्र में 5 जगहों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन CGM महेश दीप चंद्र गोयल के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। शहर में कुल 5 जगहों पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के खुल जाने से आम लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि ग्राहक खाता खुलवाने में शुल्क नहीं लगेगा, आधार कार्ड निकासी जमा करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि एक दिन में आधार कार्ड से 10,000 तक की निकासी एवं खाते में 20,000 रुपया तक का निकासी किया जा सकता है। 250 CSP का उद्घाटन हुआ पूरे पटना सर्कल में और दरभंगा जिला में 5 CSP का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हम लोग आज गिरिजानंद मिश्रा जी के CSP का उद्घाटन हमने किया है जो कि दरभंगा शाखा के जस्ट बगल में है। यहाँ पे जो छोटे ग्राहक हैं, जो कम इनकम वाले ग्राहक हैं, वो अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन होता है इस अकाउंट में, बट ब्रांचेज में काफ़ी आज के डेट में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को बैंकिंग सुविधा घर घर तक पहुँचाने के लिए ऐसे CSP का खुलना बहुत ज़रूरी है। तो हम आशा करते हैं कि गिरिजानंद मिश्रा जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और हमारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे। यहाँ पर किन किन प्रकार की सुविधा मिल पाएगी? यहाँ पर वो अपना खाता खुलवा पाएंगे, जमा निकासी करेंगे, आधार बेस्ड होगा सारा कुछ, बायोमेट्रिक से होगा, पासबुक अपडेट करा पाएंगे और मेनली उनको जमा निकासी की सुविधा मिलेगी। शनिवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा जिले का प्रशिक्षण शिविर हायाघाट विधानसभा में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर के लिए मुख्य रूप से जन अधिकार पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार श्री सोनू झा के मार्गदर्शन में अब्दुल सलाम खां उर्फ डॉक्टर मुन्ना खां जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित रोजगार दो डिजिटल रैली से जाले विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता भी जुड़े। जाले विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुदिष्ट ठाकुर की अगुवाई में जाले प्रखंड के जोगियारा कुंज कुटीर स्कूल के प्रांगण में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जाले कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष भूषण आजाद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो युवाओं को कैसे दिशा भटकाने का काम करता है,
देश में युवाओं के साथ एक वादा किया था, तो हम लोग को एक बार आप मौका दीजिए, 100 दिन दीजिए, मैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रति वर्ष। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सीटू एवं आईफा के संबंध बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के विगत 31 अगस्त से चली आ रही सांकेतिक हड़ताल को जारी रखते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए 17 सूत्री मांगों के समर्थन में निदेशक ICDS को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कर्मचारी महासंघ कार्यालय लहरिया सराय में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाकर इस प्रतिरोध मार्च के शामिल होकर जिला समाहरणालय होते हुए टावर लोहिया चौक फिर लहरिया सराय टावर होते हुए समाहरणालय पर एकत्रित होकर राज्य एवं केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के जिला मंत्री शाहीन प्रवीण, जिला अध्यक्ष विनीता चौबे, राज्य की संयुक्त मंत्री शमशाद बेगम, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा, सीटू के राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी एवं कर्मचारी नेता अरविंद कुमार राय संयुक्त रूप से कर रहे थे। आंदोलन में सेविका सहायिकाओं को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता फूल कुमार झा ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना का स्थायीकरण करते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तृतीय श्रेणी एवं सहायिकाओं की चतुर्थ श्रेणी की सरकारी कर्मचारियों को समायोजित करें। सीटू एवं राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर राज्य एवं केंद्र की सरकार महिलाओं के श्रम का शोषण कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि पूर्व के किए गए समझौते को अक्षर से सरकार लागू करे और वर्षों से कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को उनके सामाजिक सुरक्षा से जुड़े EPF EMI सेनानिवृत्त लाभ करे और उनके पेंशन पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। 17 सूत्री मांगों को लेकर के हमारा यह 26 जून को ही यह फैसला हो चुका था। आज ये हम इस जुलूस के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से ये सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो इससे भी ज्यादा हम लोग आंदोलन करेंगे, इसलिए अन्यथा हम लोगों की मांग मानी जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है न्यूनतम मजदूरी, तो हम लोगों के लिए सौतेलापन क्यों हो रहा है, हमारी मांग को भी पूरी की जाए और हमें न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। 17 सूत्री में क्या सब मांग? मेरी मांग है 17 सूत्री में कि हम लोगों को अस्थाई किया जाए, जब तक के अस्थायीकरण नहीं किया जाता है जब तक हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी जो अभी सरकार का निर्धारित है वो दिया जाए। अभी जो DBT का मैटर आया है उसको अपना वापस लिया जाए। मोबाइल से जो कार्यक्रम कराया जा रहा है उसको बंद कराया जाए। इस बीमा उसको भी चाहिए। इस तरह से हमारी बहुत सारी मांग है, 17 सूत्री मांगे हैं हम लोगों को। सरकार को ये संदेश देना है आज कि हमारी मांग को पूरी करें और लॉलीपॉप पिछले 19 में जो हम लोगों को सुनाया गया वो ना सुना। मेरा नाम शाहीन परवीन, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ, जिला मंत्री दरभंगा। आज की खबरें भी सम्पन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।